अब सुनो सब बच्चे ध्यान से, अपन एक गजब का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सब बच्चे ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान सुनो, कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर में अगर आपने पहले कुछ भी पढ़ा हुआ है सब भूल जाओ। इसको जैसे मैं इस चैप्टर को आपके दिमाग में डेवलप करूंगा, आप इसको वैसे ही अपने दिमाग में डेवलप करिए। ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो कि आप ना कर पाए। आमतौर पर बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी या इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर उनको ऐसा पढ़ा देते हैं, ऐसा पढ़ लेते हैं वो, कि बाद में जब चैप्टर खत्म होता है तो मन में डिसीजन ले चुके होते हैं कि इसका क्वेश्चन नहीं करना है, कि उन्हें एक्चुअली हिल जाते हैं उनके फंडे। लेकिन इस चैप्टर को मैं जैसे पढ़ाऊंगा आपको वैसे पढ़ना है। अब ये चैप्टर बाकी चैप्टर से डिफरेंट क्या है इसके अंदर, वो बात पहले सुनो। आमतौर पर जितने भी चैप्टर होते हैं जब कोई क्वेश्चन आता है तो या तो अपन उस क्वेश्चन के अंदर अलजेब्रा को देखते हैं या उस क्वेश्चन के अंदर ज्योमेट्री को देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर हर क्वेश्चन को जब भी हम सोचेंगे तो एक बार अलजेब्रिक वे में सोचेंगे, एक बार ज्योमेट्रिक वे में सोचेंगे, इसमें दोनों एक साथ चलेगा। आप पुरानी सारी चीजें डिलीट कर दिए, कर दी डिलीट, कंट्रोल डेल नहीं कंट्रोल डेल शिफ्ट डेल, बिल्कुल परमानेंट डिलीट। अब जैसे मैं चैप्टर डेवलप करूंगा वैसे चैप्टर डेवलप करना है। एक तो क्या होता है इसका नाम, नाम बड़ा खतरनाक है। किसी बच्चे का नाम रावण रख दो ना तो सोचेगा भैया पता नहीं क्या करेगा। इसका नाम क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैथमेटिशियन इसका नाम रख देते सिंपल नंबर्स तो सब बच्चे इजी आते। इसका नाम कॉम्प्लेक्स है लेकिन रियल में है ये बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी। अब सब बच्चे बोर्ड पर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे, मुलाकात करनी पड़ेगी, मीटिंग आई। आई को पढ़ते हैं आयोटा। सब बच्चे बोर्ड पर देखें, जैसे मैं डेवलप कर रहा हूं वैसे डेवलप करेंगे। सबसे पहले अपन आयोटा से मुलाकात करेंगे। कौन है आयोटा, कहां से आया आयोटा, क्यों आया आयोटा, क्यों जरूरत पड़ी आयोटा की, क्या आयोटा के बिना काम चल सकता है, क्या आयोटा नहीं होता तो क्या करते है, तो क्या करेंगे, सब कुछ। आयोटा इज नॉट अ नंबर, ये कोई नंबर नहीं है। इट हैज नो वैल्यू, चूंकि नंबर नहीं तो वैल्यू नहीं होती। इट डज नॉट फॉलो रूल्स ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा किसके लिए बनी है, नंबर्स के लिए बनी है। तो नंबर ही नहीं है तो भाई साहब फिर कहां से काम बनेगा। अब सवाल उठता है गुरुजी ये सब तो नहीं है, आयोटा कोई नंबर नहीं है इसलिए आयोटा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, आयोटा जीरो नहीं होता। कोई बोले आयोटा ग्रेटर देन जीरो, धीरे चपत लगा दें चट। कोई बोले आयोटा लेस देन जीरो, फिर चपत लगा दें। कोई बोले आयोटा इक्वल टू जीरो, फिर चपत लगा दें। कोई बोले टू आयोटा इज ग्रेटर देन आयोटा, फिर चपत लगा दें। कोई बोले थ्री आयोटा इज ग्रेटर देन टू आयोटा, फिर चपत लगा दें। मतलब तुरंत पीटते रहे उसको लगातार। आयोटा कोई नंबर नहीं है, पहले आप ये समझो, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। चूंकि वैल्यू नहीं होती तो पॉजिटिव नेगेटिव का तो प्रश्न ही पता नहीं होता। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ी वैल्यू। अच्छा वैल्यू ही नहीं है तो कंपेयर कहां से करूंगा, आयोटा जीरो से छोटा कंपेरिजन ही नहीं सकता। नो इनइक्वालिटी, किसी प्रकार की कोई इनइक्वालिटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती इनइक्वालिटी, अरे भाई कैसे होगी यार, इनइक्वालिटी का मतलब है कंपेरिजन। जब मैं कह रहा हूं ए बी से बड़ा है यानी ए की जो वैल्यू है बी की वैल्यू से बड़ी है, अरे भैया वैल्यू ही नहीं है कंपेयर कहां से करोगे। आप सबसे पहले आयोटा को ढंग से समझ लो। आधे बच्चे इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि आयोटा को नहीं जानते और पूरा चैप्टर आयोटा पर बेस्ड है। आयोटा क्या नहीं है पहले ये जान लो, फिर क्या है वो तो बहुत सिंपल है। आयोटा कोई नंबर नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इन्हें अलजेब्रा मत लगाने लग जाना। जब नंबर नहीं है अलजेब्रा, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन किनका होता है, नंबर का होता है। इसकी कोई इनइक्वालिटी नहीं हो सकती। हाउ कैन यू कंपेयर, यू कैन नॉट कंपेयर। समबडी सेज कि टू आयोटा इज ग्रेटर देन आयोटा, किसी भी चीज का दुगना उससे बड़ा होगा, नॉनसेंस, वो कोई वैल्यू नहीं है। पहले आप ये समझे आयोटा कोई नंबर नहीं, इसको बार बार दोहरा रहा हूं ताकि मन में बिठा लो, फिट कर लो कि आयोटा के साथ कैसे डील करना है। क्या नहीं है पहले ये जान लो, फिर क्या है जानेंगे। आयोटा कोई नंबर नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। क्या आयोटा को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते यार। नंबर लाइन पे किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब ये रूट टू है, क्या रूट टू रिप्रेजेंट कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। इरेशनल है 1.414, लेकिन ये तो पता है कि चलो 1.4 से 1.5 के बीच में कहीं पर होगा। फिर ऐसे जो ट्रायंगल एंगल बना के कंपास से अपन रूट टू को प्लॉट कर लेते थे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, याद है नहीं याद है, कहते कैसे रूट टू को कैसे प्लॉट करते थे, नहीं याद है रूट टू का नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते थे, या वन हो गया
अगर ये वन यूनिट ऊपर बना लिया तो ऑटोमेटिकली रूट टू यूनिट हो गया। और फिर ये कंपास लेके इसे खींच देते थे तो ये पॉइंट रूट टू आ गया। ये शर्तिया रूट टू है क्योंकि ये वन यूनिट है, ये वन यूनिट है, याद है नंबर लाइन पे। भाई किसी भी चीज की वैल्यू होगी, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड होगा, चाहे वो रैशनल हो कि इरेशनल, आप उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं भाई किसी न किसी तरीके से। क्या आयोटा का नंबर लाइन प्लॉट कर नहीं कर सकते यार? तो पहले समझ ले इट इज नॉट अ नंबर, इसकी वैल्यू नहीं होगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो नहीं होगा, इसका तुलना उलना नहीं कर सकते। गुरु जी 3 आयोटा तो 2 आयोटा बड़ा दिख रहा है, बट दिख रहा है तो आंखों का इलाज करवाओ। अब सवाल उठता है कि गुरु जी ये सब तो आयोटा है नहीं, तो आखिर ये आयोटा है क्या? इट इज जस्ट अ सिंबल फॉर रूट माइनस, एक नॉनसेंस चीज का सिंबल है। रूट माइनस वन तो हो ही नहीं सकता, किसी भी रूट का मतलब क्या होता है? जब आप बोलते हैं कि रूट ए की वैल्यू बी है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। जब मैं कहता हूं रूट फोर निकालो, यानी एक ऐसा नंबर निकालो जिसका स्क्वायर करने पर फोर आ जाए, तो ये रूट ए बी है तो ए बी स्क्वायर, ये इसका रियल सिग्निफिकेंस है स्क्वायर रूट का, जो हम मैथ से जानते हैं। तो ये नॉनसेंस है, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी माइनस वन नहीं आएगा, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, सिंस ये एक नॉन एग्जिस्टेंस चीज है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो बार बार रूट माइनस वन लिखने से आंखों को चुभता है, दिमाग में दर्द होता था, तो लोगों ने इसका सिंबल बना लिया आयोटा। आयोटा इज अ सिंबल फॉर रूट माइनस वन, जहां पर भी आयोटा लिखा है आप रूट माइनस वन लिख सकते हैं, जहां पर भी रूट माइनस वन लिखा है तो आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा इज जस्ट अ सिंबल, इट इज जस्ट अ डिनोशन, इट इज जस्ट अ नोटेशन, इट इज जस्ट अ साइन, इट इज सिंबलाइजिंग रूट माइनस वन, बस। ये नंबर नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसमें इनइक्वालिटी नहीं हो सकती, इसमें कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि आयोटा सिर्फ एक नॉन एग्जिस्टेंस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आयोटा इज जस्ट अ सिंबल, जैसे आमतौर पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, हम सॉल्व करते हैं तो एक्स और वाई क्या है? अननोन चीजों के सिंबल, लेकिन वहां पर हमको पता है कि अननोन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहां पर हम पहले जानते हैं कि आयोटा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट माइनस वन नहीं आएगा। क्या बात समझ में आई? आयोटा इज जस्ट अ सिंबल फॉर रूट माइनस वन, वेर एवर यू हैव रिटन रूट माइनस वन यू कैन राइट डाउन आयोटा, वेर एवर यू हैव रिटन आयोटा यू कैन राइट डाउन रूट माइनस वन। आप दोनों इंटरचेंजेबल, कहीं पर थ्री आयोटा लिखा है आपको ठीक नहीं लग रहा, आप थ्री रूट माइनस वन लिख दीजिए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी डिफाइंड नहीं होती, रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आंखों को चुभती है, आंखों को अच्छी नहीं लगती, तो इसके लिए सिंबल चुन लिया गया आई। अब बोलो गुरु जी आई क्यों चुना गया? क्योंकि ये अपने एबीसीडी एक्सवाईजेड के बीचों बीच आता है। आमतौर पर एबीसीडी जो शुरुआत के थे ना उनसे कॉन्स्टेंट्स को डिनोट करते हैं, आमतौर पर एक्सवाईजेड डब्ल्यू उनसे वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं, तो एबीसीडी मान लेते कंफ्यूजन नहीं आता कहीं ना कहीं, तो एक्सवाईजेड भी मान लेते फिर कंफ्यूजन आता कहीं ना कहीं, दैट इज व्हाई दे अज्यूम डी गई आई। ऐसा नहीं आई की जगह बी सी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इट वुड हैव क्रिएटेड अ कंफ्यूजन, आई आमतौर पर यूज नहीं होता कहीं पर भी, तो दे चुन लो भाई आई चुन लो बस कोई खास बात। सो वेयर एवर यू हैव टू राइट डाउन रूट माइनस वन यू कैन राइट डाउन आई। अब मन में बात उठाओ, आयोटा इज जस्ट सिंबल, वेयर एवर वी हैव रूट माइनस वन आई कैन राइट डाउन आयोटा, एंड वेयर एवर आयोटा इज रिटन डाउन आई कैन राइट डाउन रूट माइनस वन, बिकॉज इट इज जस्ट अ सिंबल, नथिंग मोर देन दैट। क्या आयोटा की बात समझ में आई सब बच्चों को? क्या आयोटा की बात समझ में आई सब बच्चों? ओके, अब सिंबल की बात जान ही गए हैं तो हम लोग बात कर सकते हैं पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर की बात, जो कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन द सेंस। आयोटा की पावर वन तो आयोटा होगा, आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस वन। अरे भाई इसमें क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं मैं इसमें, जब आयोटा खुद रूट माइनस वन है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? माइनस वन। ठीक है भैया, दोनों और आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, बोर्ड पर देखो, दोनों और आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो आयोटा क्यूब कितना आ गया? माइनस आयोटा। फिर दोनों और आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों और आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, इधर आ जाएगा आयोटा की पावर फोर, इधर आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना हो गया?
माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस वन वन, फिर दोनों और आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, 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 फिर इलेवन नहीं ट्वेल्व, फिर दोनों और आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, एंड सो ऑन मल्टीप्लाई करते चले जाओ जहां पर भी। आयोटा की पावर जीरो कितना होगा? वन। अब ऐसा क्यों ये समझो, आयोटा जीरो नहीं है, ये तो तय है आयोटा जीरो नहीं है, तो एनी नॉन जीरो क्वांटिटी की पावर जीरो हमेशा कितना होता है? वन। अब यहां से हमको एक गजब की बात पता लगी कि पावर ऑफ आयोटा रिपीट एट एन इंटरवल ऑफ फोर, चार चार के इंटरवल पर रिपीट करेंगे, जो आयोटा की पावर जीरो होगी वही आयोटा की पावर फोर होगी, वही आयोटा की पावर एट होगी, वही आयोटा की पावर ट्वेल्व होगी, जो आयोटा की पावर वन होगी वही आयोटा होगा, वही आयोटा की पावर फाइव होगी, वही आयोटा की पावर नाइन होगी, जो आयोटा का स्क्वायर होगा वही आयोटा का सिक्स होगा। यानी चार का कोई भी मल्टीपल जोड़ने घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से हम एक खास बात डिराइव कर सकते हैं जिससे कि आप आयोटा की बड़ी बड़ी पावर के साथ टकरा सकते हैं। कितनी बड़ी पावर अगर टकरा जाएंगे कैसे? अगर आयोटा की पावर 4n है तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अब कोई आपसे बोला आयोटा की पावर 4000, कोई भी आयोटा की पावर 4n प्लस 1 तो वैल्यू आयोटा, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 तो वैल्यू माइनस 1। देखो आंखों से, आयोटा की पावर 4n प्लस 3 तो माइनस आयोटा। इसको और समराइज में कर सकता हूं, आयोटा की पावर 4n प्लस k इज नथिंग बट आयोटा की पावर k, 4 से डिवाइड कर दो। देखो आयोटा की पावर 4n प्लस 0 आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की पावर 4n प्लस 3 आयोटा का क्यूब। यानी आयोटा की पावर तो निकालना भैया मेरे लिए इतना इजी हो गया है कि मैं क्या बताऊं। आयोटा की पावर कोई 253 मुझसे पूछ ले तो रोने की जरूरत नहीं, चार से डिवाइड कर दो। और चार डिवाइड करें 25 को, अगर डिवाइड करेंगे तो 6 4 20 13 आएगा। खुशी सी हो रही है आयोटा की पावर 1, पर रिमाइंडर चार से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आए वही आयोटा की पावर चढ़ा दो। आप समझ में आया कि नहीं? चारों को भी समराइज करके हम तो इस रिजल्ट पहुंच गए, इतना गजब का रिजल्ट है। आज का दिन सफल हो गया, ऐसा लग रहा है पृथ्वी लोक पर हमारा जन्म सफल हो गया। क्या जान लिया आज हमने? आयोटा की पावर 4n प्लस k नथिंग बट आयोटा की पावर k। और कमाल की बात है कि जब चार से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर k आएगा वो केवल क्या क्या आ सकता है? 0, 1, 2 या 3, और तो कुछ आ ही नहीं सकता। 4 से डिवाइड करने पर क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है? 0, 1, 2, 3। कोई ऐसा बच्चा रिमाइंडर 4 ला दे? आप लोग असंभव को संभव कर सकते हैं, लेकिन 0, 1, 2, 3। क्या बात समझ में आई बच्चों को? आयोटा की बड़ी से बड़ी पावर से टकराने से अब हमको कोई नहीं रोक सकता। आयोटा की पावर 1 करोड़ 1, चार से डिविजिबल है। कॉपी कर लें। अब यार देखो, तो भाई आयोटा से मुलाकात हो गई, इससे पहले मैं नेक्स्ट बोर्ड भरूं, फिर समझ लो आयोटा सिर्फ एक चिन्ह है बस। किसका चिन्ह है? रूट माइनस वन का। जहां पर भी आप रूट माइनस वन लिखना चाहते हैं आयोटा लिख दीजिए, जहां पर भी आप आयोटा लिखते हैं वहां रूट माइनस वन भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर, सिर्फ एक सिंबल है। और आयोटा की पावर से मुलाकात हो गई, और आयोटा की पावर से खेलना कितना ईजी हो गया। एक छोटा घटिया क्वेश्चन अपन लोग कर सकते हैं अभी कि शो दैट, बोर्ड पर देखते रहे, शो दैट सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज जीरो। साबित करना है कि आयोटा की लगातार चार पावर का सम जीरो आएगा। कॉमन सेंस ले लो, आयोटा की पावर एन, आयोटा की पावर एन प्लस वन, आयोटा की पावर एन प्लस टू, आयोटा की पावर एन प्लस थ्री, लगातार चार पावर ले ली आपने। आयोटा की पावर एन सब में से कॉमन ले लीजिए तो वन प्लस आयोटा की पावर वन प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब आ गया यहां पर। बोलो हाँ गुरुजी। तो यहां पर आ जाएगा आयोटा की पावर एन वन
प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना माइनस वन माइनस आयोटा, क्लियरली देख सकते हैं आयोटा की पावर एन इंटू जीरो इज जीरो, तो आयोटा की किसी भी लगातार चार पावर का सम कितना है जीरो। अच्छा आयोटा की पावर से कोई घबराने बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि आयोटा की पावर क्या करेगा, फोर से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा भाई जीरो वन टू थ्री बचेगा। क्या बात समझ में आई से बच्चों को? यहीं पर अब हम इतना जान चुके हैं कि अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। आयोटा और आयोटा को जानना बहुत जरूरी था, बिना आयोटा जाने कॉम्प्लेक्स नंबर के जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर देखें, एनी नंबर ऑफ फॉर्म ए प्लस आयोटा बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर जो इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है, किस प्रकार का, ए प्लस आयोटा बी, आमतौर पर कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जेड से, जैसे रियल नंबर के सेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर के सेट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा बोर्ड पर देखो, ये नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर के सेट के बाहर इंटीजर का सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर ही एक प्रकार के इंटीजर हो गए, इंटीजर्स के बाहर रैशनल नंबर का सेट, क्योंकि हर रैशनल नंबर इंटीजर होगा, रैशनल नंबर के बाहर रियल नंबर का सेट, और इन सबसे बड़ा भारी भयानक भयावह जेड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप यहां पर देखो, यहां देखो, दोनों बात समझाते हैं। हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे? अरे भाई आप बी को जीरो कर दो ना, आप लोग तो इंटेलिजेंट है, आप लोगों को नई बात है क्या? जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, सुनो ध्यान से, जेड इक्वल टू ए प्लस, कोई भी नंबर जो इस प्रकार का, आप ध्यान देना है, कोई भी नंबर जो इस प्रकार का है, किस प्रकार का है, ए प्लस आयोटा बी, कोई भी नंबर जो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म का है वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो सारे रियल नंबर इसके अंदर ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं, कैसे, बोर्ड पर देखो, वेयर ए बी एप्सिलॉन आर एंड बी वी एप्सिलॉन आर। ध्यान रखना, जब आप बोलते हैं एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ए भी रियल है और बी भी रियल है। मेरे मन में एक सवाल आया, क्या गुरुजियां प्लस का मतलब एडिशन है क्या? क्या ए में रियल और यहां कोई सिंबल नहीं है आयोटा और बी के बीच, तो क्या आयोटा बी से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? नहीं, क्या लगता है आपको, प्लस का मतलब एडिशन है क्या? क्या आयोटा और बी के बीच कोई सिंबल नहीं है तो क्या रियल में आयोटा मल्टीप्लीकेशन में है क्या बी के, बताइए। अरे हाँ भाई, सिंबल का मतलब थोड़ी बदल जाएगा। अरे उस सिंबल का मतलब कैसे बदल दोगे? तुम्हें मतलब बदलना होगा तो नया सिंबल लोगे। अरे जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, एक्स में लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, फॉर एग्जांपल 3 प्लस 2x, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन एक्स, वैसे ही हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक लीनियर पॉलिनोमियल इन आयोटा है, एक्स की जगह आयोटा लिखा हुआ है। मैं यहां पर भी 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करके 3 में जोड़ना चाह रहा हूं। अभी मुझे कोई x की वैल्यू बता दे कि सर x की वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7 आ गए। लेकिन जब तक मुझे x की वैल्यू नहीं पता लगेगी तब तक मुझे कभी भी ये लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, 3 प्लस 2x ही लिखूंगा ना भाई। अरे यहां प्लस का मतलब क्या है, जोड़ ही है। अरे प्लस का मतलब कभी भी हमेशा जोड़ ही होगा, अगर कोई नया मतलब होगा तो उसका नया सिंबल बनाएंगे ना, पुराने सिंबल को क्यों तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है। और जहां कोई सिंबल नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता, वहां भगवान होता है, भगवान हर चीज को मल्टीप्लाई करता रहता है। ये देखिए, तो आयोटा मल्टीप्लाई करी। अब यहां पर उम्मीद की किरण है कि किसी ना किसी दिन कभी ना कभी वेरिएबल एक्स की वैल्यू मिल सकती है, लेकिन यहां उम्मीद का सूरज डूब चुका है, कि हम जानते हैं कि आयोटा किसके लिए लिखा गया है, रूट माइनस वन के लिए लिखा गया है, और उसकी वैल्यू आपको कभी मिलनी नहीं है, वो रूट माइनस वन ही है। तो ए प्लस आयोटा भी हमेशा हमेशा के लिए ए प्लस आयोटा बी ही होगा। क्या बात समझ में आई से बच्चों को? आप इसकी तरफ नया नया मत करें, सब नॉर्मली है, हर सिंबल का वही मतलब है जो आज तक पढ़ते चले आए हैं, कुछ नयापन नहीं करना।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कहो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, जैसे 2 प्लस आया होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, माइनस 3 प्लस 2 आया होता है यही भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 माइनस आया होता है, सब क्या कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जाम्पल है। कोई भी नंबर जो इस रूप का दिखाई पड़े, इसीलिए इसका हिंदी नाम ज्यादा अच्छा है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अध्याय को, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं, यानी मिश्रित संख्याएं। मिश्रित मतलब मिक्स्ड, मिक्स मतलब रियल पार्ट और आयोटा वाला पार्ट। अभी आते हैं अपन, क्या था गाड़ी पहुंची थी बच्चों की, ए कहलाता है रियल पार्ट ऑफ जेड और इसको लिखते हैं आर ई जेड, जो आयोटा से मल्टीप्लाइड है। आयोटा खुद इमेजिनरी है, एग्जिस्ट नहीं करता। जब आयोटा ही एग्जिस्ट नहीं करता, बी आयोटा कहां से एग्जिस्ट करेगा? तो दैट इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बी। ध्यान रखना आयोटा इंटू बी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, केवल बी, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों रियल होते हैं। जैसे इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 1 और रियल पार्ट कितना है 2, इसका इमेजिनरी पार्ट 2 रियल पार्ट -3, गड़बड़ मत करिएगा। आयोटा भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। मैं तो बचपन में यूं रटा था, जो आयोटा से मल्टीप्लाइड नहीं है वो रियल पार्ट है और जो आयोटा से मल्टीप्लाइड है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो आयोटा से कौन मल्टीप्लाइड है? बी मल्टीप्लाइड है, तो बी क्या हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। दिस कॉम्प्लेक्स नंबर हैज टू पार्ट्स, वन इज द रियल पार्ट, अदर इज द इमेजिनरी पार्ट। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? ए। व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? बी। तो इनको मिक्स करके जो भी नंबर लिखे जाएंगे क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका रियल पार्ट कितना है? 3। इसका इमेजिनरी पार्ट -1। -1 भाई विद सिंबल लेना है उसको। क्या रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट की बात समझ में आई से बच्चों को? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया बच्चों को? व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? एनी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पर देखो, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? अरे बी को जीरो रख दो, बी को जीरो रख दो तो जेड किसके बराबर आ जाएगा? ए, और ए कोई ना कोई रियल नंबर ही है। तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर देखें, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। आर ई का मतलब भाई साहब रियल पार्ट और आई एम का मतलब बेटे इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट भी रियल है, इमेजिनरी पार्ट भी रियल है, ए और बी दोनों रियल हैं। क्या बात समझ में आई इस बच्चों को? क्या बात समझ में आई इस बच्चों? कॉपी करिए। अब सुनो एक बार, सब चीज देखो, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको जैसे पढ़ा रहा वैसे पढ़ना है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों को? तो भाई आप ही हम समझ गए। जैसे कोई हमसे बोलता था एक नेचुरल नंबर मन में सोचो, क्या बोलता था? चलो एक नेचुरल नंबर सोचो, तो 1 2 3 4 7 8 ऐसे सोचते थे। अच्छा नेचुरल नंबर बढ़ क्या करके हमसे बोलते थे कोई इंटीजर सोचो तो हम -1 ऐसा कुछ भी सोच लेंगे, कोई रियल नंबर सोचो तो कोई भी नंबर सोच लेंगे। अब अगर हमसे बोले कॉम्प्लेक्स नंबर सोचो तो हम 2+3 आयोटा, 4+9 आयोटा कुछ ऐसा सोचेंगे। कुछ नया नहीं होने जा रहा, बस बोर्ड पर देखें, कोई भी नंबर जो इस रूप का है या जिसको इस रूप में लाया जा सके ए प्लस आयोटा बी, वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां ए और बी पूरी तरह रियल नंबर है। ए एंड बी एप्सिलॉन आर, ए कहलाता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और बी कहलाता है इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। ध्यान रखना इमेजिनरी पार्ट आयोटा इंटू बी नहीं है, केवल बी है, केवल बी है। मुद्दे की बात है, जो आयोटा से मल्टीप्लीकेशन में नहीं है भैया वो रियल पार्ट है और जो आयोटा से मल्टीप्लीकेशन में भैया वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। क्या बात समझ में आ गई सब बच्चों को? कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत? अब कॉम्प्लेक्स नंबर बोर्ड पर देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्रकार के हो सकते हैं, अपने आप समझ में आ जाएंगे। पहले प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है प्योरली रियल या केवल रियल भी कहते हैं, जो आज तक हम अपने जीवन में पढ़ते चले आए हैं, जिनमें बी क्या होता है? जीरो। इनको हम रियल नंबर या प्योरली रियल कह सकते हैं। दूसरे प्रकार के नंबर होते हैं प्योरली इमेजिनरी। सोचो प्योरली रियल में बी जीरो है तो प्योरली इमेजिनरी में क्या होगा? ए जीरो। कॉमन सेंस है ए जीरो।
यानी जिसका कोई रियल पार्ट हो ही नहीं, जिसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, वो पार्ट जो अस्तित्व में नहीं है। और एक शब्द है इमेजिनरी, बोर्ड पर देखें प्लीज, ध्यान देना, प्योरली रियल और रियल एक ही शब्द है, चाहे आप बोले प्योरली रियल या बोले रियल, लेकिन प्योरली इमेजिनरी और इमेजिनरी एक शब्द नहीं है, दोनों का दो अलग अलग शब्द है। बोर्ड पर देखो, इमेजिनरी हम उसको कहेंगे जिसमें कुछ ना कुछ इमेजिनरी पार्ट हो, यानी बी जीरो ना हो। देखो ये बोलता है कुछ ना कुछ इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट हो, यानी बी जीरो ना हो, और ये बोलता है भैया केवल इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट। दोनों में अंतर समझ में आया? ये बोल रहा है कुछ ना कुछ इमेजिनरी पार्ट हो, बी जीरो ना हो, और ये बोलता है केवल इमेजिनरी ही पार्ट हो, उसका रियल पार्ट जीरो कर दो, रियल पार्ट जीरो कर दो। दोनों के डेफिनेशन में अंतर समझ में आया? ध्यान देना, फिर दोहरा रहा हूं, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, हर चीज बहुत साफ सुथरा है। प्योरली रियल और रियल एक ही शब्द है, लेकिन प्योरली इमेजिनरी इमेजिनरी दो अलग अलग शब्द है। प्योरली इमेजिनरी, शुद्ध इमेजिनरी, यानी रियल पार्ट हाइयर नहीं, और इमेजिनरी है, कुछ ना कुछ इमेजिनरी पार्ट है। जैसे 3+2 iota इमेजिनरी है, लेकिन प्योरली इमेजिनरी नहीं है। इसको इमेजिनरी क्यों कह रहे हो? कुछ ना कुछ इमेजिनरी पार्ट तो है, बी नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसमें जरा सा भी इमेजिनरी अंश होगा उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी, और जिसमें केवल इमेजिनरी अंश होगा उसको क्या बोलेंगे? प्योरली इमेज। क्या दोनों में अंतर समझ में आया? क्या दोनों में अंतर समझ में आया? क्या दोनों में अंतर समझ में आया? अब खास बात, स्टार 0+0 iota इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी। ये इकलौता ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आप प्योरली रियल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्योरली रियल की परिभाषा को संतुष्ट करता है। इसको आप प्योरली इमेजिनरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी की परिभाषा को भी संतुष्ट करता है, पर इसको इमेजिनरी नहीं कह सकते क्योंकि इमेजिनरी की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता। भाई डेफिनेशन पता लग गई ना, तो डेफिनेशन से देख लो, जिसमें ए जीरो होगा प्योरली, सॉरी जिसमें बी जीरो होगा प्योरली रियल या रियल, जिसमें ए जीरो होगा प्योरली इमेजिनरी, और ये इमेजिनरी। क्या बात समझ में आई? ये नाम है, बस जनरल ध्यान रखना, कोई इनमें गणित नहीं है। क्या ये क्लियर है सब बच्चों को? क्या ये क्लियर है सब बच्चों को? क्या ये क्लियर है सब बच्चों को? कॉपी कर ले फट से। हाँ अब सुनो बच्चे, बोर्ड पर ध्यान दो, मुझे देखो कितना सुंदर दिख रहा हूं मैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर अपन ने आयोटा से मुलाकात कर ली, और आयोटा से मुलाकात करने के बाद हम लोगों ने पावर ऑफ आयोटा देख लिया और कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया। अब मेरी बात को सुनो, ये चैप्टर क्या है, हमको हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें आईआईटी निकालनी है। आईआईटी में कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आएगा? वाइवा तो होगा नहीं, क्वेश्चन आएंगे। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल सॉल्व कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रति माइंडसेट वैसे रखना चाहिए जिस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। बस जैसा युद्ध वैसी तैयारी, सीधी सी बात बता रहा हूं। इस चैप्टर के अंदर क्या है, आप थोड़ा सा अपने आप को रेडी करो, बहुत इजी सा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली एलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स नंबर गो हैंड इन हैंड, एलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे कंधे पे हाथ रख के काम करते हैं। तो इसके अंदर ऐसा आप भी मत करो कि केवल एलजेब्रा एलजेब्रा पढ़ लो, फिर एलजेब्रा मास्टर करने के बाद फिर ज्योमेट्री मास्टर करो, आप उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे। अब सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखो, ध्यान बहुत छोटा, बहुत छोटा। हम चौथी बात करने जा रहे हैं एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैं पढ़ाऊंगा आप प्लीज वैसे पढ़िए, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, हो सकता है आज ही खत्म हो जाए। खैर, एलजेब्रा के अंदर सिर्फ हमको 7 बातें जाननी है, और ज्योमेट्री के अंदर हमको सिर्फ 3 बातें जाननी है। कितनी बातें जाननी है? 10। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 यानी एलजेब्रा के पॉइंट हो गए, G1, G2, G3 ज्योमेट्री के पॉइंट हो गए। मैं दोनों को मिक्स करके ही पढ़ाऊंगा, मिक्स करके पढ़ाना, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और बहुत सारी बातें उनके बारे में बोली जा सकती है। सबसे पहले अपन एलजेब्रा से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे से ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे। A1,
सबसे पहली अलजेबरा का पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर आप लिखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होने का मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड टू एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू. याद एक मिनट रुको, लिखो मत. जैसे एक वेक्टर इक्वेशन अपने आप में तीन लीनियर इक्वेशन देती थी, तीन इक्वेशन देती थी, वैसे एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपको दो इक्वेशन देगी, रियल रियल के बराबर और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर. क्योंकि वेक्टर में थ्री डायमेंशन था, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट. वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कंपोनेंट हैं, रियल कंपोनेंट एंड इमेजिनरी कंपोनेंट. कंपोनेंट या पार्ट बोल रहे हैं, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट. अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो इनके रियल पार्ट बराबर होंगे, इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे. क्या बात समझ में आई बच्चों को? इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन देयर रियल पार्ट विल बी इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल. अलजेब्रा टू, इक्वालिटी की बात हो गई. दूसरी हम बात करेंगे इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर. केवल लिख दो नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर. हाउ कैन यू कंपेयर? 3 प्लस 2 आयोटा ग्रेटर देन 1 प्लस आयोटा. सर रियल रियल से बड़ा, इमेजिनरी इमेजिनरी. नॉनसेंस, रिडिक्यूलस, फुलिसनेस. कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई इनइक्वालिटी नहीं होती. इनइक्वालिटी ये जो शब्द है ओनली फॉर रियल नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कंपेयर हो सकते. ऐसा लिखना कि 4 आयोटा इज ग्रेटर देन आयोटा, इससे बड़ी मूर्खता पृथ्वी लोक पर संभव नहीं है. ऊपर बैठे न्यूटन आइंस्टाइन की आत्मा भी कांप जाती है जब कोई बच्चा ऐसा बोल देता है. वो भी सोचते हैं इतना ज्ञान देके गए हैं, उसके बावजूद भी मुरख पर. यू कैन कंपेयर ओनली रियल क्वांटिटीज, ठीक है. यू कैन नॉट कंपेयर इमेजिनरी क्वांटिटीज, कैन नॉट कंपेयर कॉम्प्लेक्स नंबर. तो हमारा आधा ध्यान शांत हो गया क्योंकि इनइक्वालिटी होती ही नहीं. केवल क्या होगी? इक्वालिटी. अलजेब्रा 3, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ले, अरे एक बात बताओ, कंसीडर कॉम्प्लेक्स नंबर एज लिनियर पॉलिनोमियल इन आयोटा. क्या आप दो लिनियर पॉलिनोमियल जोड़ते नहीं थे पहले? क्या मल्टीप्लाई नहीं करते थे? क्या डिवाइड नहीं करते थे? क्या फिर एक्स की जगह आयोटा ही तो लिखा है? आप मेरी बात को समझो. जब इसका अलजेब्रा पार्ट सोच रहे हो, जब ज्योमेट्री नहीं सोच रहे हो, तो 3 प्लस 2 आयोटा लिख के मैं बोलूं या 3 प्लस 2x लिख के बोलूं? अरे तो रूट माइनस 1 को x से डिनोट करना शुरू कर दो. अगर रूट माइनस 1 ये x लिखा होता तुमको थोड़ी फील बेटर आती. अरे तो 3 प्लस 2x तो लिखा है, तुम भी रूट माइनस 1 आयोटा की जगह x सोचो. अब एडिशन सब्सट्रैक्शन बच्चे पता नहीं क्यों घबराते रहते हैं. अरे a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, क्या करें? अगर x हो तो क्या करते? a प्लस c प्लस आयोटा कॉमन ले लो, b प्लस d. कंसिडर कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए लीनियर पॉलिनोमियल. वाई आर यू सो एफ्रेड? ए प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी. ए माइनस सी प्लस आयोटा बी माइनस डी, खत्म. जोड़िए आराम से, कोई नहीं रोक सकता आपको. कौन रोकेगा? फोर मल्टीप्लीकेशन. अरे ए 2 प्लस 3x, क्या दो लीनियर पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता? आता तो यहां क्यों रो रहे हो? इधर देखो, a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी. बोर्ड पर देखिए, a इंटू सी ए सी, ए इंटू आई डी ए आई डी, आई बी इंटू सी आई बी सी, आई बी इंटू आई डी आई स्क्वायर बी डी. आप मल्टीप्लाई कर लिया. अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? माइनस 1, तो रख दो ना. तो आ गया ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी. अरे कोई नया फॉर्मूला थोड़ी है यार. अगर लीनियर पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करता तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता होती. यहां पता है तो रख दी. इट इज नॉट ए न्यू थिंग. 11th क्लास बच्चे इसके फॉर्मूले रटने लग जाते हैं. फॉर्मूले क्यों रट रहे हो? नॉर्मल बात है. मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत है क्या? कहीं कोई दिक्कत नहीं है. ए फाइव पावर, पावर चढ़ाना. भाई भाई, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर जीरो तो वन ही होगा. एनी नॉन जीरो की पावर जीरो वन.
अब तुमसे कोई पूछ ले ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, को फॉर्मूला रटोगे क्या? ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर टू आयोटा बी, अरे ए स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस टू इट दिन टू दिस, कुछ नया नहीं है। अब यार आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है तो मन में क्यों रखो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स टू ए बी, सब नॉर्मल है, कुछ नया करना ही नहीं है इसके अंदर। चैप्टर इतना इजी है, पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो इधर, अब कोई आपसे बोले ए प्लस आयोटा बी का होल क्यूब, फॉर्मूला लगाओ ना जो पहले लगाते थे, ए प्लस बी एक्स होता फॉर्मूला लगाते, लगाओ यार, ए क्यूब प्लस आयोटा क्यूब बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर आयोटा बी प्लस थ्री ए आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जहां आयोटा की वैल्यू पता रख दो, जहां नहीं पता छोड़ दो। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? माइनस वन, तो ए क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस आयोटा, आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। कोई रोक सकता है क्या आप लोगों को? ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, कुछ नया है ही नहीं। देखते देखते आप कह रहे थे अलजेब्रा में सात चीजें हैं, पांच पहुंच गए, बहुत छोटा है बच्चे, घबराना नहीं है। आप समझिए कि जैसे दो लीनियर पॉलिनोमियल के साथ आप खेलते थे वैसे खेलिए, आप तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक के साथ खेल लेते हैं तो लीनियर है बेचारा। इसमें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई या पावर निकालने के बाद करना क्या है? अरे आयोटा की पावर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इधर देखो, कोई आपसे बोले ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है तो मैं क्या करूं? ये कोई नया फॉर्मूला थोड़ी है, ये कोई नया फॉर्मूला थोड़ी है कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ नया होता है। कुछ नया नहीं होना, कॉपी करिए फटाफट। तो भाई शुरू के पांच अलजेब्रा देख ली, अब हम बात करेंगे अलजेब्रा सिक्स डिवीजन की। बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर देखें, सात ही बातें अलजेब्रा में, ज्यादा नहीं है। बोर्ड पर देखें डिवीजन। तो भैया ए प्लस आयोटा बी को अगर मुझे डिवाइड करना है सी प्लस आयोटा डी से, कैसे डिवाइड करेंगे? सुनिए सुनिए, जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। क्या? साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। सी प्लस आयोटा डी था, सी माइनस डी। इससे पता है क्या फायदा हुआ? इससे मैं बताता हूं क्या फायदा हुआ। इससे फायदा यह हुआ कि आपका डिनोमिनेटर प्योरली रियल हो गया, क्योंकि सी और डी तो रियल थे ही, तो सी स्क्वायर मैंने करके बताया था आपको, प्योरली। वाह वाह भाई वाह। ऊपर आ जाएगा ए सी माइनस ए आई डी प्लस आई बी सी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां से ध्यान देखिए तो ए सी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस वन, प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स बी सी माइनस ए डी, ये हो गया डिवीजन। ये पूरी चीज हो गई इसका रियल पार्ट और ये पूरी चीज हो गई इसका इमेजिनरी पार्ट। समझ में आया कैसे करना है? डिनोमिनेटर के सी माइनस आयोटा डी बीच में साइन, इसको इसका कॉन्जुगेट कहते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो और बात बन जाएगी। क्या ये क्लियर है सब बच्चों को? एक मिनट रुको, ए सेवन के पहले इंट्रोड्यूस होगी अब ज्योमेट्री जीवन। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे इस ज्योमेट्री को। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने के लिए कितने रियल नंबर की जरूरत है? दो, एक उसका रियल पार्ट एक उसका इमेजिनरी पार्ट। मान लो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर भी है तो भी बोलोगे तो सही कि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। बोर्ड पर देखें, जेड ए प्लस आयोटा बी, हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक पॉइंट की तरह सोच सकते हो। बोर्ड पर देखें, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट ऑन आर्गेंड प्लेन। हाँ, मैप। इससे पहले एक्स वाई प्लेन हुआ था जो कार्टेशियन प्लेन कहते थे, किसको? कार्टेशियन नाम के मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया था, इसीलिए उसे सम्मान में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है।
वैसे आर्गेंड नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स प्लेन डिस्कवर कर लिया था। आर्गेंड बाबा के आने के पहले कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं आके खत्म हो जाता था और थोड़ा बहुत डिवाइड करके मस्त रहते सब के खुश हो गए। उसके बाद आर्गेंड बाबा प्रकट हुए और उन्होंने इसके आगे 6-7 बोर्ड और जोड़ दिए, तो 3 बोर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर आर्गेंड बाबा को उतना दिक्कत नहीं है, ये समझ लो कि आर्गेंड बाबा के आने के पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की किताब एक पन्ने की थी, बाबा आए और एक पन्ने 10 पन्ने कर दिया, पर उतना नहीं 10 पन्ने भी ठीक था। फिर एक यूलियर बाबा आ गए, उन्होंने यूलियर शर्म दे दी, उसके बाद ये 10 पन्नों सीधे 1000 पन्ने पर पहुंचा। जो मेन जो धमाका किया, जो एटम बम लेके आए थे, वो यूलियर बाबा थे। खैर आर्गेंड बाबा ने बोला कि जैसे एक्स वाई प्लेन होता है वैसे ही आप कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाइए। तो लोगों ने बोला कॉम्प्लेक्स प्लेन गुरु जी कैसे बनेगा, कुछ नहीं, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोल दीजिए और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोल दीजिए। यहां पर आप नंबर का रियल पार्ट प्लॉट करेंगे और यहां पर आप नंबर का इमेजिनरी पार्ट प्लॉट करेंगे। जैसे मान लीजिए 3+2 आयोटा है, तो कौन से पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा, 3, 2, तो रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट, ये पॉइंट आ गया कुछ 3, 2। जैसे मान लीजिए -2+ आयोटा है, तो कौन से पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा, -2, 1, तो रियल पार्ट -2 यहां पर कहीं आ जाएगा, -2, 1। कोई भी ले लीजिए, -3, -2 आयोटा, तो कौन से पॉइंट से आएगा, -3, -2, तो -3, -2, -3, -2। बहुत सही, हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन से प्लेन पर, आर्गेंड प्लेन पर। रियल एक्सिस यानी आपकी एक्स एक्सिस हो गई, इमेजिनरी एक्सिस यानी आपकी वाई एक्सिस हो गई। इमेजिनरी एक्सिस क्या हो गई, वाई एक्सिस। तो रियल पार्ट आप रियल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट आप इमेजिनरी एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को, क्या बात समझ में आई सब बच्चों को, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी क्या? कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्री में कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट किया, हर कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, और एक बार पॉइंट्स आ गए तो पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के ज्योमेट्री आ जाएगी। क्या तक गाड़ी पहुंची, रुक जाओ, क्या तक गाड़ी पहुंची, अभी जीवन खत्म नहीं हुआ, अभी जीवन बाकी है। क्या ये क्लियर है सब बच्चों को, कोई दिक्कत? हर कॉम्प्लेक्स नंबर को बाबा के प्लेन पर एक बिंदु द्वारा रिप्रेजेंट, एक बिंदु द्वारा दर्शाया जा सकता है। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को, क्लियर है? बोलो आर्गेंड बाबा की जय। अब सुनो, आर्गेंड बाबा इतना ही बोल के नहीं, और बोले, बहुत ज्यादा बोले, उस समय कोई था नहीं उनको चुप कराने के लिए, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। अब सुनो ध्यान से, अब इसके साथ पहली इंपॉर्टेंट चीज है मॉड्यूलस। बोर्ड पर देखते रहे, मॉड्यूलस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड जेड से। किससे, मॉड जेड से, किससे, मॉड जेड से। इसका एल्जेब्रिक मीनिंग तो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का रूट, रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का रूट। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, तो रिप्रेजेंट किससे होगा, ए कॉमा बी। ओरिजिन से ए कॉमा बी की दूरी कितनी होगी, ध्यान दो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये होगा ए, ये होगा बी। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को, तो मॉड जेड ज्योमेट्रिकली गिव डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन से दूरी बताता है। ये पहला एलिमेंट है जो ज्योमेट्री में आएगा, क्या है, मॉडुलस। इसका एल्जेब्रिक मीनिंग सिर्फ इतना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर निकालें, ज्योमेट्रिकली समझें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को, क्या बात समझ में आई सब बच्चों को, क्या जीवन समझ में आया सब बच्चों को, क्लियर हुआ?
बिल्कुल क्लियर हुआ, कॉपी करो तो क्वेश्चन करेंगे। अब देखो समझिए, इधर देखो भाई, मॉडुलस का मीनिंग समझ में आ गया। अब सब बच्चे ध्यान देना, मॉडुलस का एल्जेब्रिक मतलब क्या है, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का रूट। और मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से दूरी। देखो आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस चैप्टर को वैसे ही डेवलप करो जैसे इस चैप्टर में सवाल सवाल करने हैं। अगर जंगल में लड़ना है तो आपको पेड़ पत्तियों का यूज करना आना चाहिए, और खुले मैदान में लड़ना है तो फिर आपको जूडो उडो आना चाहिए। तो जैसा चैप्टर है वैसी तैयारी करो। पहले आप मुझे बताओ इन दोनों में रिलेशन समझ में आया? देखो इससे ये डिराइव कर सकते हो और इससे ये एक्सप्लेन भी कर सकते हो, क्या ये क्लियर है बच्चों को? मॉडुलस मतलब दूरी, मॉड मतलब दूरी, बोल देखो, मॉड मतलब दूरी। इसमें रिम बड़ी की मात्रा है कि छोटी? मॉड मतलब दूरी। आज फोन करें पापा को, मम्मी को, ऑटो वाले को टोल फ्री नंबर पे और पूछें मॉड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में, फिर बताएं दूरी। बल्कि आप पर्यायवाची बना लें, किसी से बोलना हो दूर हटो तो बोलो मॉड हटो, किसी को बताना हो बहुत दूर हूं तो बोलो बहुत मॉड हूं, चांद धरती से बहुत मॉड है, बहुत दूर है, और सूरज तो और ज्यादा मॉड है। आप सुनो ध्यान से, मॉड मतलब दूरी। प्लीज बोर्ड पर देखें, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1, तो इसको हम जिस पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे वो x1 y1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x1 y1। और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2, तो इसको हम जिस पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे x2 y2। क्लियर है बच्चों को? प्लीज बोर्ड पर देखिए, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे पढ़ेंगे तो इस चैप्टर का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। x मतलब हमेशा रियल एक्सिस, y मतलब इमेजिनरी एक्सिस। यहां पर एक पॉइंट है x1 y1 और यहां पर एक पॉइंट है x2 y2। मेरे मन में इच्छा उमड़ रही है कि मैं x1 y1 और x2 y2 के बीच में डिस्टेंस निकालूं। क्या निकालूं? दूरी। जरा बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, कंसिडर करो z1 माइनस z2 का मॉड, तो z1 माइनस z2 का मॉड हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2 का मॉड। इसको हम अंदर अंदर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2 का मॉड, जो कि बन जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देखो ये 2D का डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, ये 2D का डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है तो यह दूरी मॉड z1 माइनस z, मॉड z1 माइनस z2 गिव्स यू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट z1 एंड z2। डिस्टेंस फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, ध्यान देखिए, कुछ नया नहीं लिखा। कैसा बच्चों को डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही है? वेरी गुड, आप लोगों की बात ही अलग है। तो मॉड z1 माइनस z2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट z1 एंड z2। बोर्ड पर देखते रहे दो मिनट। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स z1 एंड z2, ये z1 और z2 के बीच की दूरी है। इसको अभी इतना सा नहीं है, ज्योमेट्री अब बढ़ेगी, बढ़ती चली जाएगी, इसे ध्यान देना। क्या ये समझ में आया सब बच्चों को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आज आपने एक ऐसी चीज जान ली है कि आप चांद तक जा सकते हैं। मॉड z1 माइनस z2 इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट z1 एंड z2। मॉड z1 माइनस z2 इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट z1 एंड z2। प्लीज यहां पर ध्यान दें, एल्जेब्रिक मॉडुलस का मतलब है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का रूट, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ओरिजिन से दूरी, अगर अकेला कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए तो z1 माइनस z2 का मतलब क्या हो जाएगा? z1 और z2 के बीच की दूरी, z1 और z2 के बीच की दूरी। यहां पर एक बार और देखें, जैसे केवल मॉड z लिखा हो तो आप इसको यूं भी समझ सकते हैं मॉड z माइनस ओरिजिन, यानी z की कहां से दूरी? ओरिजिन से, जो कि बन जाता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ये हम अपने 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जानते हैं. आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी पढ़ ली है, इसका फायदा होगा आपको. पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला इसमें बनेगा, सर्किल बनेगा, इंटरसेक्शन सर्किल आएगा, सब कुछ आएगा. कॉपी कर लो.